देखिए, आप रहते हैं लोगों के दरमियान, मतलब ये सोशल लाइफ का फार्मूला है. अकेले, बिल्कुल अकेले कहीं हैं आप, हैं किसी आइलैंड में, किसी पहाड़ पर हैं, तो वहाँ के लिए नहीं है ये. आप अकेले हैं तो उसमें क्या एक्सक्यूज, किसके खिलाफ एक्सक्यूज लेंगे आप. लेकिन जब लोगों के दरमियान हैं तो ज़रूर ऐसी बातें आएंगी जिसको आप एक्सक्यूज बनाएं और एक काम को उसकी वजह से न करें. लेकिन ये सोशल लाइफ मीन्स लाइफ एक्सक्यूजेज, ये नहीं कि एक एक्सक्यूज आप ले तो दूसरा एक्सक्यूज भी नहीं आएगा आपके सामने. सोशल लाइफ फुल ऑफ एक्सक्यूजेज. तो सवाल इसके कि आप किसी भी एक्सक्यूज को न लें, नहीं तो अगर आपके मिजाज ये होगा तो हर वक्त देखते हैं एक्सक्यूज आएगा आपके सामने, हर वक्त देखने का सबब. क्योंकि सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ इज फुल ऑफ एक्सक्यूजेज. तो उसमें आप ये लूँगा, मैं वो नहीं लूँगा, ये चलने वाला नहीं है. कोई एक्सक्यूज दे लीजिए बस, तब आप काम कर पाएंगे, तब आप अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे, तब आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे. मेरा तो तरीका यही, मैं किसी एक्सक्यूज को एक्सक्यूज बनाते ही नहीं. एक्सक्यूज को हमेशा अवॉइड करता हूँ, हमेशा अवॉइड करता हूँ. तो ये सच पूछे तो जो आदमी काम करना चाहता हो उसका ये तरीका है. जो आदमी एक्सक्यूज लेता रहे वो कभी काम नहीं कर सकता. जो एक्सक्यूज न लेगा वही काम कर पाएगा. और ये हदीस में भी आता है, ये बात हदीस में भी आई है. और रजुल मकबूल बिस्नैन अस्सहब अल फराग, इसका मतलब है कि इंसान हमेशा दो चीज़ों के बारे में धोखे में रहता है, सेहत और फुर्सत. कि सेहत होगी तब कर लूँगा, फुर्सत होगी तब कर लूँगा. सेहत का एक्सक्यूज और फुर्सत का एक्सक्यूज, और कभी होता नहीं ऐसा. आइडियल सेहत कभी होती नहीं, आइडियल फुर्सत कभी मिलता नहीं. तो इस दुनिया में और कोई ऑप्शन है हमारे लिए नहीं, कोई ऑप्शन नहीं.